क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं करने नहीं, करवाने आया हूँ तेरी शादी बच्चू। माँ जी को बहुत सारी लड़कियाँ पसंद आ गई हैं। तू मेरी माँ को उल्लू बना रहा है? अरे माँ जी को उल्लू मैं कैसे बना सकता हूँ, वो तो लेडीज हैं। डोंट गेट फिजिकल, टच मी। टच मी? माँ जी देखो मेरे को मार रहे। जे जे तुझे मेरी कसम है, तू पंडित को मारेगा नहीं। अब बोलो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी कुंडली में आज पिटना लिखा है? अच्छा, कौन पीटेगा मेरे को? तू ही सबको पीटता है ना, तेरे को तो कसम दे दी गई है। यार एक बात बता, इतनी अच्छी फोटो में सब सुंदर लग रहे हैं, ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? यार उतार इसको, आई एम इंटरेस्टेड। यू इंटरेस्टेड? या तो फिर खुद ही उतार लो ना। इतनी बॉडी बनाई हुई है, इतनी ताकत नहीं कि ये कागज उतार दो, ये भी मेरे को उतारना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट का सूत पड़ा। इंटरेस्टेड? क्यों मेरा मेरे को? पहले इस मनुष्य के चेहरे को फिर से ढक। ये लो ढक दिया। माँ, आपको मनहूस बना दिया इसने। अरे क्यों मारे मेरे को? अरे क्यों मारे मेरे को? ये लो उतार दिया। देखो, विदाउट गेटिंग फिजिकल, मेरे को बताओ आखिर ये भली लड़की है कौन? ये भली लड़की है कौन? कहाँ है उड़े जाले। अरे हटो पीछे, तो पड़ जाएगी। मतलब मैं जब इतने साल से तेरे लिए लड़के देख रही थी और तू उस दौरान इस लड़के के साथ घूम रही थी, जब तू कह के जाती थी कि तू फिल्में देखने जा रही है या तू ट्यूशन देने जा रही है, अपने दोस्तों के घर जा रही है, तब तू इसके साथ घूमती रहती थी। मतलब वो सब कुछ तूने झूठ बोला हा? जी हाँ, क्योंकि आपके हजारों बेकार सवालों के मैं जवाब नहीं देना चाहती थी। जैसे कि लड़का कौन है, किस खानदान का है, कमाता कितना है, जात पात क्या है, गोत्र कौन सा है, वेज है या नॉन वेज है। कैसे पता करें? मेरे क्या कमी? कोई सवाल किया तुमसे? जय, अरे कुछ तो बोलो। गीता के आउटबर्स्ट के बाद माँ इमोशनल हो गई और माँ के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। कहना ये चाहती है कि तुम दोनों की शादी सक्सेसफुल हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, तुम्हारा काम धंधा भी ठीक चलने लगे, रोमांस अब भरपूर हो और इन शॉर्ट बेसिकली चुक चुक जियो, सदा सुहागन रहो और हमारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, समझे? थैंक यू। नहीं, थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी,